मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की सुबह बड़ी मज़ेदार सी है, और आज मैंने आप लोगों के साथ जैसे कि प्रॉमिस किया था खुशखबरी भी शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले चलते हैं, ज़रा थोड़े से काम शाम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वक्त पीने लगी हूँ अपने लिए सौंफ वाला पानी। मैं सुबह सुबह उठ के पीती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि वह मैं बनाती कैसे हूँ जी। तो यहाँ एक कप के अंदर मैंने डाल लेना है पानी, ठीक है। एक कप मैं पानी डालती हूँ इसमें, और एक ही जो टीस्पून है ना, मैं इसमें वो सौंफ ऐड कर दूँगी। और सौंफ ऐड करके बस सिंपल सा है ये। अब मैंने इसको रख देना है ओवन में फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए ओवन में रख के उसके बाद मैंने इसको ओवन से निकाल के कवर कर देना है। ये देखें जी, अभी मैंने इसको ओवन से निकाल दिया है, और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। ये लें जी, मैंने इसको कवर कर देना है, और 10 से 15 मिनट मैं इसको इसी तरह पड़े रहने दूंगी, फिर मैं इसको पी लूँगी। तो ये मेरा सौंफ वाला पानी तैयार हो गया है। आप में से जो भी कोई डाइट कर रहा है वो ये सौंफ वाला पानी लाजमी ले, स्पेशली जो नर्सिंग मदर्स हैं, जो फीडिंग मदर्स हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनको अपने दिन का स्टार्ट इससे लाजमी करना चाहिए, या तो सौंफ वाले पानी से या ज़ीरे वाले पानी से। तो मैंने तो सौंफ वाला पानी ही अपनी लाइफ की रूटीन बनाई हुई है। जब से मैंने डाइट स्टार्ट किया मैं वही लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इससे। तो आप लोग भी इसे स्टार्ट करें, और देखेंगे आप लोग कुछ दिनों में ही फ़र्क देखेंगे। जिनका स्पेशली पेट बहुत ज़्यादा लटका होता है नीचे से, ऑपरेशन के साथ अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेट आपका अंदर जाता है, वेट रिड्यूस करने में ये आपकी हेल्प करता है। लेकिन शर्त ये है कि साथ आप लोग क्लीन ईटिंग करेंगे, पोर्शन कंट्रोल करेंगे, और अगर हो सके तो एक्सरसाइज करें, वरना ना करें। हाँ जी, तो इधर बैठे मेरे प्यारे बच्चे सुबह सुबह अपने कार्टून्स देख रहे हैं। ये देखें फातिमा बैठी हुई है, और उधर फजर है कोर्ट में। फजर फजर ये है फजर, फजर जान खेल रही है फातिमा के साथ साथ साथ। और ये देख रहे हैं ये लोग टीवी, कार्टून्स देख रहे हैं ये लोग इस वक्त। और अभी मैं इन लोगों का भी ब्रेकफास्ट बस तैयार करती हूँ, और इनको नाश्ता करवाती हूँ जी। तो बच्चे मेरे ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, मेरी बारी है। तो मैं पहले तो ब्रेकफास्ट के लिए तो मैंने अपने लिए 2 eggs बॉयल होने के लिए रख दिए, और यहाँ पे ना मैंने अपने लिए रात को भिगो दिया था रेड लोबिया और रेड किडनी बीन्स भी जिसको कहते हैं। मैं इसको अपने लिए ना बॉयल करने लगी हूँ प्रेशर में, और क्योंकि इसकी ना मैं सैलड बना के और दोपहर को खाऊंगी। मैं कभी इस तरह से ब्लैक चनों की सैलड ले लेती हूँ, कभी मैं वाइट चिक पीस की ले लेती हूँ सफ़ेद चनों की, और आज मैंने ना लोबिया की सैलड अपने लिए बनानी है। उसको मैं ना काफ़ी सारी क्वांटिटी में उबाल के फ्रीज कर दूंगी, और जितना जितना मुझे चाहिए होगा जब जब तो मैं उसको साथ साथ यूज़ करती जाऊँगी। इससे भी बड़ा अच्छा वेट रिड्यूस होता है। तो मेरा दोपहर का खाना मोस्टली यही होता है, और या कभी साथ रोटी लेनी हुई तो मैं अपनी जो मल्टीग्रेन आटे की रोटी होती है वो ले लेती हूँ। और इधर मैं ब्रेकफास्ट में करूँगी जी आज 2 boiled eggs के साथ मैं एक एप्पल लूँगी, ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट होगा। और अभी मैं प्रेशर बंद करती हूँ ताकि लोबिया भी उबल जाए, और देखती हूँ कि बच्चे क्या कह रहे हैं जी। तो अभी हम लोग लेकर आए हैं इधर बच्चों को पार्क में। मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ना फीवर और ज़ुकाम हो रहा है, और फजर की भी तबीयत ठीक नहीं है फजर। लेकिन अनाबिया और फातिमा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, इसलिए उनको लेकर आए हैं पार्क में, और वो इधर झूले ले रही हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अनाबिया और फातिमा यहाँ पे झूले ले रही हैं, स्विंग पे बैठी हुई हैं। अनाबिया ने तो अपने शूज जो है ना, अपने स्लीपर्स भी उतार दिए। ये और भी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे पार्क में। ये इस पार्क में ना हम लोग अक्सर आते रहते हैं, बहुत क्वाइट और बहुत ज़बरदस्त ये पार्क है, और इतना रश भी नहीं होता इधर, और हमारे घर के बिल्कुल करीब है ये, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं इधर आके, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं काफ़ी। बहुत बड़ा पार्क है ये, और ये देखें जी बहुत अच्छा सारा ये। ये फजर इधर बैठ के ना पार्क में और ग्रास के साथ खेल रही है और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है। फर्स्ट टाइम ये आज ग्रास पे बैठी है, तो वो देख रही है कि ये क्या चीज़ है, एक्सप्लोर कर रही है उसे। फजर 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 नहीं बहुत नो 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 नो
खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाते नहीं है जी। तो अभी हम लोग पार्क से वापस आए हैं और अब मैं ना, मेरे जुकाम हो रहा था काफ़ी, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं सूप पी लूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं F11 में, यहाँ से हम लोग लेंगे सूप अपने लिए F11 मरकज़ में हम इस वक्त, और अभी पीऊँगी सूप। ये देखें जी, मेरा सूप आ चुका है इस वक्त, ज़बरदस्त था। और ये साथ है उसकी सॉसेस, ज़बरदस्त किस्म की जी। तो अब बारी है आप लोगों के साथ वो खुशखबरी शेयर करने की, जिसके लिए आप लोगों ने भी काफ़ी वेट किया और मुझे भी बड़ा बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार था। तो जी, गुड न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ताला के करम की वजह से और आप सबके सपोर्ट की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल आज मोनेटाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी सबसे पहले आप सबको, और उसके बाद मेरी सिस्टर साइमा और अदनान भाई, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया अपना चैनल दोबारा से इस्टेब्लिश करने में। उन दोनों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। चैनल तो मेरा बहुत पुराना था लेकिन मैंने सम हाउ इस पर काम करना छोड़ दिया हुआ था, और उन दोनों की इंकरेजमेंट की वजह से और उन दोनों की सपोर्ट की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना अपने चैनल की तरफ मैंने ध्यान देना शुरू किया, और उन्होंने मुझे इस कदर इंकरेज किया और साथ साथ वो लोग मुझे दोनों गाइड करते रहे कि अब इस तरह से करो, अब ऐसे करो। तो मैं उन दोनों का जितना स्पेशल थैंक्स करूँ वो मैं, उन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। और स्पेशल थैंक्स है आप सब के लिए, आप सब ने मेरे चैनल को देखा, इसे पसंद किया, और आप लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स के अंदर अंदर मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेतहाशा ज़रूरत है, और सपोर्ट आप लोग करेंगे मेरा चैनल ग्रो करेगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है, जैसे कुछ होम रेमेडीज़ हो गई, कुछ मेकअप ट्यूटोरियल्स हो गए, इस तरह की वीडियोज़ मैं इन फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आप लोग भी मुझे सजेस्ट करें कि मैं आप लोग किस किस्म की वीडियो देखना पसंद करेंगे। साथ साथ फजर से रिलेटेड और इस तरह के बच्चों के इश्यूज तो चलते ही रहेंगे, उनको तो हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन और क्या क्या रेसिपीज तो मैं बनाती हूँ उसके अलावा आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं कि मैं किस बारे में वीडियोज बनाऊँ, मुझे ज़रूर गाइड करें, मुझे बताएं, और ताकि मैं उसी कॉन्टेंट को लेकर आगे आऊँ। और यही आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और जल्द से जल्द मुझे भी इनकम आनी शुरू हो। अभी तो सिर्फ एक स्टेप क्लियर हुआ है कि यही हुआ है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, लेकिन मोनेटाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको फौरी तौर पर पैसे आने शुरू हो जाए। इट टेक्स टाइम, इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है आपके व्यूज़ बढ़ने में, आपके लोग, आपकी कम्यूनिटी को ग्रो करने में। तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें। जिस तरह से आप लोगों ने अब तक मुझे सपोर्ट किया, इस तरह आगे भी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो बस इसके साथ ही हम लोग अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिए, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।